क्वेश्चन नंबर 41 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x dx। अब यहाँ हम अगर x के प्लेस पे कॉस थीटा रख दें तो 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा, cos 3 थीटा होता है, तो x के प्लेस पे cos थीटा रख दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin थीटा d थीटा अपॉन dx, ये क्लियर। अब इस dx को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो 1 इंटू dx बन जाएगा, तो इस dx के प्लेस पे आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, बचा ये पार्ट, तो कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा रखें तो 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा, ये क्लियर। ये बन गया माइनस कॉस इनवर्स, इतने को हम लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा देन साइन थीटा डी थीटा, ये क्लियर। अब कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा तो 3 थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये क्लियर। ना यहाँ पे माइनस 3 ये कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे हम बाई पार्ट यूज कर सकते हैं। ये एल्जेब्रिक फंक्शन ये बन जाएगा u, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बन जाएगा v, बाई पार्ट यूज कीजिए तो u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। माइनस 3 बाहर है, थीटा बाहर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, देन यहाँ पे ये माइनस इंटीग्रेशन, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस बन जाएगा, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। माइनस 3 बाहर है, माइनस थीटा कॉस थीटा देन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्लियर। अब इस माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए तो ये बन गया 3 थीटा कॉस थीटा और देन माइनस प्लस माइनस 3 साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, ये क्लियर। एक्स के प्लेस पे हमने कॉस थीटा रखा था तो 3 थीटा कॉस थीटा माइनस 3, इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कांस्टेंट। ना 3 थीटा, थीटा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, ये क्लियर। तो इस थीटा के प्लेस पे आ गया कॉस इनवर्स एक्स और कॉस थीटा के प्लेस पे आ जाएगा एक्स, देन माइनस 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस कांस्टेंट, तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बनता है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे x के प्लेस पे tan थीटा रखिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx, ये क्लियर। अब इस dx को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो 1 इंटू dx बनेगा, तो इस dx के प्लेस पे आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये क्लियर। और यहाँ पे ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्लियर। ये बन गया cos इनवर्स, इतने को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा देन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये क्लियर। cos इनवर्स cos 2 थीटा और देन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये बन गया u, ये बन गया v, बाई पार्ट यूज कीजिए तो 2 बाहर है, यहाँ पे u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। ना यहाँ पे 2 बाहर है, ये थीटा बाहर है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा देन थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। ना यहाँ पे 2 बाहर है, थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा और प्लस कांस्टेंट, ये क्लियर। 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए तो ये बन गया 2 थीटा tan थीटा और यहाँ से मिल गया माइनस 2 log, और x के प्लेस पे हमने tan थीटा रखा था तो इस sec थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और देन प्लस कॉन्स्टेंट। ना 2 यहाँ से थीटा हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो इस थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा इसके प्लेस पे एक्स आ जाएगा, तो इस टेन थीटा के प्लेस पे एक्स देन माइनस 2 लॉग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस कॉन्स्टेंट। अब रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ये बन गया 2x tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग, अब लॉग e की पावर m, m लॉग a होता है तो ये हाफ पीछे आ जाएगा, तो m लॉग a और प्लस कांस्टेंट। ये टू कैंसिल, ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे tan थीटा रखिए, ये क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, x का डिफ्रेंशिएशन 1, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो इस dx के प्लेस पे आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ पे ये बन गया tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्लियर। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इतने को हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा और देन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये क्लियर। tan इनवर्स tan 2 थीटा और देन ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये क्लियर। अब यहाँ पे ये बन गया u, ये बन गया v, बाई पार्ट यूज कीजिए तो 2 बाहर है, देन यहाँ पे u पार्ट बाहर, बी पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ बी पार्ट और देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर ना। ये बन गया 2 बाहर है, यहाँ पे थीटा बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा tan थीटा और देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। 2 बाहर है, थीटा tan थीटा, देन tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा प्लस कांस्टेंट, ये क्लियर। 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कीजिए तो 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log, अब x के प्लेस पे हमने tan थीटा रखा था तो इस sec थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में प्लस कांस्टेंट, ये क्लियर ना। यहाँ से मिल गया थीटा है तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा के प्लेस पे x रखे थे तो यहाँ आ जाएगा x, देन माइनस 2 लॉग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस कॉन्स्टेंट, और इस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ। नाउ 2x tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग लॉग ए की पावर m, m लॉग ए होता है तो ये हाफ पीछे आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट, 2 और 2 कैंसिल, ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स dx। तो सबसे पहला काम इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो यहाँ पे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x dx, ये क्लियर। यहाँ पे बाई पार्ट यूज हो जाएगा, log x को इंटीग्रेट करना है तो इंटू 1 कर दीजिए और यहाँ पे बाई पार्ट यूज हो जाएगा, तो log फंक्शन u एल्जेब्रिक फंक्शन v, log फंक्शन u एल्जेब्रिक फंक्शन v, बाई पार्ट यूज कीजिए तो यू पार्ट बाहर, बी पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ बी पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। यहाँ पे बाई पार्ट यूज कीजिए तो यू पार्ट बाहर, बी पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर ना। यहाँ पे log x बाहर है x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन इस पूरे का इंटीग्रेशन लॉग एक्स बाहर है 1 का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स देन इस पूरे का इंटीग्रेशन ये क्लियर ना ये बन गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 देन यहाँ पे इस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे एक्स लॉग एक्स माइनस ये एक्स कैंसिल 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे लॉग एक्स है यहाँ पे लॉग एक्स है अगर दोनों टर्म से अगर हम लॉग एक्स कॉमन निकाल ले तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से मिल जाएगा प्लस एक्स ये क्लियर। नाउ बचा टर्म माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अगर इन दोनों टर्म से अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा और ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx तो यहाँ पे हम बाई पार्ट यूज कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन u एल्जेब्रिक फंक्शन b बाई पार्ट यूज कीजिए तो u पार्ट बाहर b पार्ट का इंटीग्रेशन देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ बी पार्ट देन इस पूरे का इंटीग्रेशन ये क्लियर। ना यहाँ पे tan इनवर्स एक्स ये बाहर है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 देन tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 देन इस पूरे का इंटीग्रेशन ये क्लियर। अब यहाँ नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ ऊपर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी पुट कर दे अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ पे एक्स डी एक्स है एक्स डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा डी टी अपॉन 2 ना तो ये पूरा बन जाएगा एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 ये पहले से बाहर था और x dx इतने प्लेस पे आ गया हाफ डी टी तो हाफ डी टी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा t माइनस 1 इतने प्लेस पे हमने माना है t ये क्लियर। ना ये बन गया एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी 1 देन माइनस 1 अपॉन टी डी टी ये क्लियर। ये बन गया एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 बाहर है और इतने का इंटीग्रेशन तो 1 का टी माइनस 1 अपॉन टी का माइनस लॉग टी प्लस कांस्टेंट ये क्लियर। नाउ ये बन गया एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 देन माइनस 1 अपॉन 6 टी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6 लॉग टी प्लस कांस्टेंट। अब टी के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना है तो यहाँ इस टी के प्लेस पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस टी के प्लेस पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्लियर। ना यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 यहाँ पे ये बन गया माइनस 1 अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 देन प्लस 1 अपॉन 6 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब माइनस 1 अपॉन 6 एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट माइनस 1 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट ये भी एक कॉन्स्टेंट ही मिलेगा तो इतने प्लेस पे हम लिख सकते हैं इसको अलग कर दीजिए स्टिल एक कॉन्स्टेंट तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब e की पावर लॉग एक्स ये बनता है x e की पावर लॉग एक्स के प्लेस पे लिख दीजिए x देन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स ये क्लियर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस एक्स डी एक्स देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे तो बाई पार्ट यूज हो जाएगा अब यहाँ पे अगर हम ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये बन जाएगा साइन 2x। नाउ यहाँ पे ये बन गया u, ये बन गया v, बाई पार्ट यूज कीजिए तो u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन और देन प्लस हाफ बाहर है, देन इंटीग्रेशन ऑफ इतने प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 2x। ये क्लियर। नाउ यहाँ पे x बाहर है, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, देन x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, देन हाफ बाहर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ये क्लियर। नाउ ये बन गया x साइन x और यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स तो ये प्लस बन जाएगा, देन यहाँ पे हाफ बाहर है साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 2 यहाँ 4 बन जाएगा और प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे कॉस 2x है, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x ये बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये क्या बन जाएगा कॉस 2x। ये क्लियर। तो यहाँ पे x साइन x प्लस कॉस एक्स देन माइनस इस कॉस 2x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स देन अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट। ये बन गया x साइन x प्लस कॉस एक्स देन माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और देन यहाँ से मिल गया माइनस 1 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। अब माइनस 1 अपॉन 4 ये कांस्टेंट है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट, इट विल गिव अ कांस्टेंट तो इतने प्लेस पे हम लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स। अब टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस हाफ पावर 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे tan इनवर्स x इसके प्लेस पे t रख दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इतने प्लेस पे बन जाएगा डी टी। अब यहाँ पे x है तो x यहाँ से हम लिख सकते हैं tan t तो इस x के प्लेस पे आ जाएगा tan t, tan इनवर्स x इसके प्लेस पे हमने माना था t अपॉन ये बचा तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर t बनेगा। ये क्लियर। ना ये बन गया t tan t और रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t sec t डी टी। ये क्लियर। अब tan t अपॉन sec t है तो देखिए tan t अपॉन sec t इसको हम क्या लिख सकते हैं tan को लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t और इस 1/1 sec t को हम लिख सकते हैं cos t ये और ये कैंसिल, ये बन गया sin t तो इतने प्लेस पे आ गया sin t। ये क्लियर। अब ये बन गया u, ये बन गया v, बाई पार्ट यूज कीजिए तो u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। नाउ यहाँ पे ये t बाहर है, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin t माइनस cos t तो ये प्लस बन जाएगा और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमने tan इनवर्स x के प्लेस पे t रखा था और x आया था tan t तो यहाँ पे ये जो cos t है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 sec t और sin t को हम लिख सकते हैं tan t अपॉन sec t। इतना क्लियर। अब sec t के प्लेस पे हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t। ये क्लियर। यहाँ पे भी sec t है तो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t। ये क्लियर। नाउ फाइनल आंसर माइनस टी, टी के प्लेस पे आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन tan टी के प्लेस पे आ जाएगा x, तो ये बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया प्लस, इसके प्लेस पे आ गया x, और यहाँ बन जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट, ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम रूट एक्स के प्लेस पे अगर t रख दें, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से हम डी एक्स लिख सकते हैं 2 रूट एक्स डी टी, और रूट एक्स के प्लेस पे हमने टी माना था, तो ये बन जाएगा 2t डी टी, तो इस डी एक्स के प्लेस पे आ गया 2t डी टी। ये क्लियर। अब tan इनवर्स रूट एक्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t। ये क्लियर। अब यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन ये बन गया u, एल्जेब्रिक फंक्शन ये बन गया v। अब बाई पार्ट यूज कीजिए, तो 2 तो बाहर है, u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन एंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u पार्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। नाउ यहाँ पे ये 2 बाहर है, tan इनवर्स t ये बाहर है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, tan इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और टी का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। अब यहाँ नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर है टी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे +1 -1 कर दें, तो ये बन जाएगा 2 बाहर है, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी अपॉन 2 देन -½ ये बाहर है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 देन -1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये क्लियर। नाउ अगर हम इस 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दें, तो ये 2 कैंसिल, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, यहाँ पे ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा टी, और इतने का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्लियर। अब इन दोनों टर्म से अगर हम tan इनवर्स t ये बाहर निकाल ले, तो यहाँ से मिल जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस +1 और देन -t प्लस कांस्टेंट। अब t के प्लेस पे हमें रखना है रूट एक्स, तो ये बन जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर x +1 देन tan इनवर्स रूट एक्स -√x प्लस कांस्टेंट, ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। यहाँ पे हम बाई पार्ट यूज कर सकते हैं, तो ये इनवर्स फंक्शन ये बन गया u, एल्जेब्रिक फंक्शन ये बन गया v। अब यहाँ पे बाई पार्ट यूज कीजिए, तो u पार्ट बाहर देन v पार्ट का इंटीग्रेशन देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। ना यहाँ पे tan इनवर्स x ये बाहर है, x क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 4 देन tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 4 देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। ना अब यहाँ पे न्यूमरेटर की जो डिग्री है ये 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + x² से डिवाइड करना है x⁴ को, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² + 1, तो फर्स्ट टर्म x⁴, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x² है, तो यहाँ पे आ जाएगा x², x² इंटू दिस पार्ट x⁴ प्लस x² सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया -x²। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो स्टिल डिवीजन होगा, यहाँ पे x², यहाँ पे -x², तो यहाँ आ जाएगा -1, तो -1 इंटू दिस पार्ट, तो -x² -1, नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ से मिल गया 1, तो ये एज इट इज x⁴ tan इनवर्स x अपॉन 4 -1/4 ये बाहर था, और इतने प्लेस पे हम लिख सकते हैं x² -1 देन +1 अपॉन x² +1 dx। ये क्लियर। ना यहाँ पे x⁴ टेन इनवर्स एक्स अपॉन फोर, ये एज इट इज, यहाँ पे माइनस वन अपॉन फोर ये बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, इतने का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, दोनों से अगर हम टेन इनवर्स एक्स ये कॉमन निकाल ले तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस वन अपॉन फोर, ये क्लियर। देन यहाँ से मिल गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन फोर प्लस कांस्टेंट, और इतने को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर माइनस वन होल अपॉन फोर, ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स कॉस टू एक्स है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे टू का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये बन रहा है टू साइन ए कॉस बी का फॉर्म, और हम जानते हैं कि टू साइन ए कॉस बी ये बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्लियर। नाउ यहाँ पे ये हाफ ये बाहर था, एक्स एज इट इज, इतने को सॉल्व कर लीजिए, तो टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स बन जाएगा, देन प्लस साइन ए माइनस बी, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स बनेगा, ये क्लियर। अब साइन माइनस साइन एक्स बनता है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा ना। अब हाफ जो है ये बाहर, और इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये क्लियर। अब दोनों ही जगह बाय पार्ट यूज होगा, तो ये बन गया u, ये बन गया v, u v, तो हाफ पूरे से बाहर है, यहाँ पे बाई पार्ट यूज कीजिए, तो u पार्ट बाहर, देन v पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। और यहाँ पे भी बाई पार्ट यूज होगा, तो देखिए u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्लियर। ना हाफ ये बाहर है, x बाहर है, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, देन माइनस x का डिफ्रेंसिएशन वन, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, तो ये प्लस बन जाएगा, और देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे ये एक्स बाहर है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये क्लियर। नाउ हाफ ये बाहर है, ये बन गया माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री का इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री इंटू थ्री नाइन बनेगा, देन माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस एक्स, देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बनता है टू एक्स, और यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अगर हम टी रख दें, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इस एक्स डी एक्स इतने प्लेस पे आ जाएगा डी टी अपॉन टू, ये क्लियर। तो इतने प्लेस पे हाफ डी टी, और यहाँ पे ये बन जाएगा tan इनवर्स t, ये क्लियर। अब tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटू वन कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट यूज कर सकते हैं, तो इनवर्स फंक्शन u, एल्जेब्रिक फंक्शन v, हाफ ये बाहर था, u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u पार्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ बी पार्ट, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर ना, हाफ ये बाहर है, टेन इनवर्स टी ये भी बाहर है, वन का इंटीग्रेशन टी, टेन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन टी और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर। अब यहाँ नीचे वन प्लस टी स्क्वायर है, ऊपर टी है, तो यहाँ पे अगर हम वन प्लस टी स्क्वायर इसके प्लेस पे रख दे टी, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो वन का जीरो, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू टी, टी का डिफ्रेंशिएशन डी पी अपॉन डी टी, डी टी इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ ऊपर है टी डी टी, तो टी डी टी के प्लेस पे आ जाएगा डी पी अपॉन टू। ये क्लियर। हाफ बाहर है, टी टेन इनवर्स टी माइनस इतने प्लेस पे आ गया हाफ डी पी और इतने प्लेस पे हमने माना है पी। ये क्लियर ना, हाफ ये बाहर है, टी टेन इनवर्स टी देन माइनस हाफ वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन पी के रिस्पेक्ट में लॉग पी प्लस कांस्टेंट। ये क्लियर। अब हाफ का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा टी टेन इनवर्स टी अपॉन टू, यहाँ से मिल गया माइनस वन अपॉन फोर लॉग, इस पी के प्लेस पे आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ना आंसर एक्स में लिखना है, तो टी के प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन फोर लॉग वन प्लस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स की पावर फोर देन प्लस कांस्टेंट। ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे टी रख दीजिए। अब इतने को डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतने प्लेस पे आ गया डी टी। यहाँ पे एक्स है, तो x को हम लिख सकते हैं साइन टी, तो इस x के प्लेस पे आ गया साइन टी और साइन इनवर्स x इतने प्लेस पे आ जाएगा t। अब ये बन गया u, ये बन गया v, बाई पार्ट यूज कीजिए, तो u पार्ट बाहर, v पार्ट का इंटीग्रेशन देन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u पार्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ v पार्ट देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्लियर ना, t बाहर है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, टी का डिफरेंशिएशन वन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये प्लस बन जाएगा ना माइनस टी कॉस टी देन कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस कांस्टेंट। अब एक्स इक्वल्स टू साइन टी है और टी के प्लेस पे हमने साइन इनवर्स एक्स माना था, तो यहाँ पे जो कॉस टी है इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर टी। ये क्लियर। तो यहाँ से ये माइनस टी, टी के प्लेस पे लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स देन यहाँ पे रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर टी, तो रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस साइन टी, साइन टी के प्लेस पे एक्स और देन प्लस कांस्टेंट। ये जो है रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर।